बच्चों, आज हम मराठी का पाठ पढ़ने वाले हैं बेटा। चौथा पाठ है जिसका नाम है GIP रेलवे। ठीक है, यह पाठ के बारे में आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक है प्रबोधनकार ठाकरे, जिनका पूरा नाम है केशव सीताराम ठाकरे। इन्होंने लिखा हुआ पाठ है। इनका जन्म हुआ था 1800 म्हणजे यांचा जन्म झालेला होता 1885 मध्ये आणि मृत्यू आहे 1973 मध्ये। म्हणजे हा त्यांचा जन्म दिलेला आहे, जन्म हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था उसके बारे में दिया। अब थोड़ा सा इस परिचय पढ़ लेते हैं हम प्रबोधनकार जी ठाकरे का, कि वो क्या थे, क्या क्या लिखते थे। वह इतिहासकार थे, नाटककार, वृत्त पत्रकार, व्यंग चित्रकार, समाज सुधारक, फरडे वक्ते, कुमारी। हाँ, याच्या बद्दल थोडं बघूया। इतिहासकार यानी इतिहास के बहुत बड़े जानकार थे वो, नाटककार भी थे, नाटके लिखा करते थे, वृत्त पत्रकार, ओके, यानी वृत्त पत्र में उनकी न्यूज भी आती थी या उनके लेख आते थे। कहाँ पर? न्यूज पेपर में, त्याला म्हणतो आपण वृत्त पत्रकार। पुढे दिलेला आहे व्यंग चित्रकार। आता व्यंग चित्रकार बघा, आपण एक पाठ शिकलो होतो हास्य चित्रातली मुलं। हास्य चित्रातली मुलं या पाठात आपण बघितलं होतं कि हास्य चित्र म्हणजेच व्यंग चित्र ज्याला म्हणतो, तो हास्य चित्र जो होते हैं जो कुछ समाज को मैसेज भी देते हैं, ऐसे व्यंग चित्रकार थे वो। न्यूज़पेपर वगैरह में देते थे जिससे समाज को एक मैसेज भी जाता है और एक हंसी भी आती है, मजाक भी आता है। ओके, समाज सुधारक प्रबोधनकार ठाकरे जी होते, केशव ठाकरे, हे काय होते? समाज सुधारक। आणि फरडे व्यक्ते, वक्ते, फरडे वक्ते म्हणजे खूप चांगले भाषण देणारे व्यक्ती, त्यांना आपण फरडे व्यक्ते वक्ते असे म्हणतो, ते सुद्धा होते। कुमारिकांचे शाप, भिक्षुकशाहीचे बंड हे वैचारिक ग्रंथ, ओके, त्यांनी दोन ग्रंथ लिहिलेले होते, ते दोन ग्रंथ दिलेले आहेत इथे, कुमारिकांचे शाप आणि भिक्षुकशाहीचे बंड, हे त्यांचे वैचारिक वैचारिक ग्रंथ होते। वैचारिक याने किसी को भी विचार करने को लगाने वाले ग्रंथ लिखे थे। टाकलेले पोर ही नाटके, ग्रामण्यांचा साद्यंत इतिहास, हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदडाचा तनत्कार इत्यादी इतिहास विषयक पुस्तके, म्हणजे त्यांनी इतिहासाबद्दल, इतिहास के बारे में उन्होंने कुछ किताबे भी लिखी थी। संत रामदास, पंडिता रमाबाई, संत गाडगे महाराज इत्यादि चरित्रात्मक लेखन, मतलब चरित्रात्मक यानी क्या कहेंगे, बायोग्राफी बोलते हैं ना हम जिसको, तो वैसा उन्होंने लेख भी लिखा था। किनके ऊपर लिखा था? संत रामदास के ऊपर, पंडिता रमाबाई के ऊपर और संत गाडगे महाराज, इनके ऊपर उन्होंने चरित्रात्मक लेखन किया था। माझी जीवन गाथा हे आत्मचरित्र प्रसिद्ध, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं, उसका नाम था उनका माझी जीवन गाथा, या उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। किसने? इतिहासकार जो प्रबोधनकार ठाकरे है, केशव ठाकरे, इन्होंने लिखी हुई थी। सन, आता बघा, आता या इसमें दिया है, आपण या पाठात आता बघूया की काय दिलेलं आहे नेमकं। आपण जो पाठ वाचतोय या पाठामध्ये नेमकं काय दिलेलं आहे त्याच्याबद्दल सांगतायत ते। सन 1853 मध्ये, कधी? 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वे मार्ग तयार केला होता। ओके, रेल्वे मार्ग तयार केला होता, तो एकेरी रेल्वे मार्ग होता। एकेरी म्हणजे फक्त येण्याचा आणि जाण्याचा एकच रस्ता, त्याला आपण म्हणतो एकेरी मार्ग। असा मार्ग तयार केला होता। लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल, बरोबर? म्हणजे त्या काळामध्ये, खूप जुन्या काळामध्ये, आता आपण तसं या पुढे पाठामध्ये शिकणार आहोत काय दिलेलं आहे नेमकं म्हणून। ओके, लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल, नवल याने आश्चर्य, सरप्राइज लग रहा था उस समय उस लोगों को, उसके बारे में इस पाठ में उन्होंने थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। ओके, रेल्वे विषयी पसरलेल्या अफवा व त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला रेल्वे प्रवास, बरोबर? अफवा, अफवा यानी क्या कहेंगे उसको, रूमर्स कहते हैं ना इंग्लिश में जिसको, तो रूमर्स के बारे में दिया हुआ है। वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल, रेल्वे विषयी पसरलेल्या अफवा व त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला रेल्वे प्रवास, याचे अतिशय सुंदर, मार्मिक व ओघवत्या शैलीत वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे। ओके, लेखकांनी केले आहे, बघा, आता अतिशय सुंदर समजलं, मार्मिक याने फिलिंग टच करणे वाला व ओघवत्या शैलीत म्हणजे लवकर समजेल असं, आणि हुबहू वर्णन
त्यांनी या पाठामध्ये केलेला आहे. कशाबद्दल? तर रेल्वेबद्दल. ओके, पुढे आपण पाठाला आता सुरुवात करूया. मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेटजी जीजीभाई व जगन्नाथ नाना शंकरशेट यांनी केला. इसके बारे में सवाल भी पूछता है बेटा एग्जाम में, कि जो मुंबई प्रांत, मुंबई यानी अपना एरिया जो होता है ना मुंबई का, उसे पूरा प्रांत बोलते हैं. मुंबई प्रांतात रेलवे असावी, या उस समय से मुंबई में रेलवे चाहिए, ऐसा एक ठराव या उठाव किसी ने किया था. उनका नाम है सर जमशेट जी जीजी भाई, हम जिनको टाटा कहते हैं ना, जमशेट जी जीजी भाई टाटा, यह बहुत बड़े उद्योगपति थे उस समय के. और जगन्नाथ जी नाना शंकर सेठ यानी केला, इन दो लोगों ने उस समय बहुत ज्यादा उठाव किया था. और किसी के नाम है यहाँ पर आगे, मुरजी जेठा मुरारजी गोकुड़दास, मुरजी जेठा मुरारजी गोकुड़दास, आदमजी पीरबाई, डेविड ससून वगैरह अनेक नामांकित नगर सेठ जिनचे, अर्थात त्यांना पाठबळ होते. यानी दो लोगों ने बहुत बड़ा उठाव करने की कोशिश किए थे कि रेलवे बनाएंगे, यानी उद्योगपति थे वो. तो देखो उनकी सोच कैसी थी कि आगे चल के हमारी कंट्री में, हमारे देश में भी यह रेलवे चालू होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने उठाव किया था. और उसकी शुरुआत ऐसे समझो कि वो मुंबई से ही करना चाहते थे, क्योंकि मुंबई आता पण आपण बघतो की मुंबई है उद्योगाचं शहर आहे ना, आर्थिक राजधानी आहे ती तसं तर. तो उसकी इसलिए उनका ऐसा था कि यह मुंबई में चालू होना चाहिए करके पाठबळ होते. और बाकी के लोग भी उनको मतलब सपोर्ट कर रहे थे, पाठबळ यानी सपोर्ट करना, तो वो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ हाँ होना चाहिए. मग काय झालं, सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणे पर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला. ओके, यानी उस समय क्या हुआ, रेलवे का पहिला छोटा फाटा यानी छोटा सा कुछ किलोमीटर का छोटा सा रेलवे रूट उस समय तैयार किया गया. वो कहां से कहां तक था, मुंबई से ठाणे तक. ये वाली बात हम बहुत पहले बार भी और इतिहास में भी ऐसा पढ़ते हैं कि पहली रेलवे वाहतूक कुठे सुरू झाली, तर पहली रेलवे वाहतूक ही मुंबई ते ठाणे सुरू झाली, आणि त्याच रेल्वे बद्दल आपल्याला हा पाठ दिलेला आहे. एकेरी रस्ता तयार झाला. लोखंडी रुळावरून इंग्रज अगिन गाडी चालवणार ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंबाची वाटली. याने उस समय लोगों को ऐसा लगा कि लोखंडी रूढ़ावरुण, यानी पहले तो रास्ते से रोडों से चलता था, लेकिन क्या चलता था, तो बैल बंडी चलती थी, घोड़ा गाड़ी चलती थी, ये सब चीजें चलती थी. लेकिन जब अंग्रेजों ने तैयार किया पहली बार कि हमको इस रूप से यहाँ से रेलवे चलानी, अब रेलवे यानी लोगों को सरप्राइज दिखाना, अचंबा, अचंबा यानी सरप्राइज था उस समय लोगों को कि लोखंडी रूढ़ावरुण यानी लोहे के रूल पे से कुछ ट्रेन चलने वाली है, अगिन गाड़ी दिलेला है, अगिन गाड़ी यानी जी गाड़ी आगे वर चालते, तिला अगिन गाड़ी असं म्हणतात. ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली. तो ये जो कल्पना थी, ये जो सोच थी, तो लोगों को ऐसा लगा कि ये एक सरप्राइजिंगली है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा सोच रहे थे लोग उस समय. ओके, अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला. मुहूर्त है ना, मुहूर्त करतो ना कि जो समय होता है, वो डिसाइड हुआ कि कब ट्रेन सुरू होगी. अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला, फिर डिसाइड हो गया कि अब इस दिन यहां से यहां तक ट्रेन चलेगी, यानी रेलवे रूट बनने के बाद में. दिनांक 18 अप्रैल सन 1853, तारीख के साथ तुमको दिया हुआ है यहाँ पर कि कौन से दिन कहां से कहां तक पहली रेलवे लाइन चालू हो रही थी. तो वो दिन है 18 अप्रैल सन 1853. 18 अप्रैल 1853 में ट्रेन चालू करने का डिसाइड हुआ. सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहली आगगाड़ी मुंबईहून निघाली. कितने बजे, सोमवार का दिन था 18 अप्रैल को, सायंकाळी यानी शाम के समय में 5 बजे पहली आगगाड़ी यानी ट्रेन है ना, तो पहली ट्रेन मुंबई से यानी सीएसटी से समझ के चलो ठाणे की ओर निकली. पहली ट्रेन थी वो. ओके, निकाली. पाना फुलांचे हार, बघा तुम्हाला एक चित्र दिसतो है ना, दिख रहा है ना तुमको, एक चित्र दिख रहा है, उस चित्र में कुछ वर्णन भी यानी ऐसे पिक्चर्स है ना, तो उसमें दिख रहा है कि उस ट्रेन को किस तरह लोग देखने आए थे, किस तरह सजाया हुआ था, यहाँ पर वो सब चीजें दी हुई है.
निघाली पाना फुलांचे हार, है ना, पत्तों के और फूलों के उस ट्रेन को, पहली जो ट्रेन निकाली थी उसको हार लगाए, तोरणे, तोरणे यानी जो होता है ना कागज की जो बनाते हैं ना तोरण, वो तोरण होती है। निशाने लाऊन 10 मोठे खोली वजा डब्बे श्रृंगार लेले, आता काय लिहिलेलं आहे, 10 मोठे खोली वजा डबे, खोली वजा यानी रूम के जैसे, कमरे के जैसे। अभी तो हमने देखा है, अभी तो बहुत बड़े बड़े ट्रेन के डब्बे आ गए हैं, ये एक मॉडिफिकेशन हो गया, लेकिन उस समय उन लोगों को, जबकि लोगों में ना साक्षरता थी ना कुछ था, घोड़ा गाड़ी बैल बंडी इन सब चीजों से चलने वाले लोग, टांगा रिक्शा से चलने वाले लोग, उनके लिए इस तरह के बड़े बड़े डब्बे वाले यानी रूम के जैसे, कर खोली वजह मंजे रूम के जैसे डब्बे वाली ट्रेन चलना यानी बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा था, है ना, त्यांना नवल वाटत होतं, खूप मोठं नवल वाटणे म्हणजे आश्चर्य, तर त्यांना खूप आश्चर्य वाटत होतं की अशा प्रकारे ही ट्रेन चालणार आहे, एवढे मोठे मोठे डबे लावलेले आहेत, है ना, ते निशाने लावून 10 मोठे खोली वजा डबे श्रृंगारलेले, श्रृंगारलेले यानी उन डबों को भी पूरी तरह से सजाया हुआ था, श्रृंगारलेले म्हणजे सजाए हुए थे। इंजिनावर अंग्रेजांचे मोठे निशान फडकत आहे, बा दिलेला आहे, इंजिनावर इंग्रजांचे मोठे निशान फडकत आहे, कारण 1853 मध्ये आपल्या भारतावर इंग्रजांचं राज्य होतं, अपने भारत के ऊपर किनका राज था, अंग्रेजों का राज था, और भले ही सपोर्ट इन्होंने किया था, नाना जमशेद जी थे और एक दो नाम दिए हुए थे अपने को, देखो जीजी भाई जगन्नाथ, नाना शंकर सेठ थे, इन्होंने बहुत बड़ा उठाव किया, सपोर्ट था, लेकिन उस समय जो था राज पूरी तरह अंग्रेजों का था, तो इसीलिए इंजन जो था, इंजन के ऊपर किसका निशान था, भारतीय निशान नहीं था, हमारे तिरंगे का निशान नहीं था, तो उस समय का जो अंग्रेजों का सिंबल था, अंग्रेजों का फ्लैग था, उसका निशान उस इंजन के ऊपर लगाया हुआ था। डब्यात गादीच्या खुर्च्या, कशा खुर्च्या, गादीच्या यानी सोफे के जैसे गादी वाली खुर्चिया लगाई हुई थी। कोच, यावर रेलवेचे सगड़े डायरेक्टर, देखो उस समय जो कोच बने हुए थे उस पे कौन बैठा था, तो रेलवेचे सगड़े डायरेक्टर यानी रेलवे के डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो वहां पर बैठे हुए थे। सर जमशेठ जी, जीजी भाई, नाना शंकर सेठ आणि अनेक इतर नगर सेठ जामानिमा करून बसलेले, जामानिमा, जामानिमा करून बसलेले म्हणजे पूर्ण तयारी करून बसलेले, तयारी करना यानी पूरी तरह से अच्छे कपड़े डालकर तयार होना, उसको बोलते हैं जामानिमा। ओके, तो ये जो लोग थे, जमशेठ जी, जीजी भाई थे, नाना शंकर सेठ थे, और उस समय के जो मुंबई के बहुत सारे उद्योगपति थे जिन्होंने इस काम के लिए सपोर्ट किया था, सहयोग किया था, वह सब अच्छे कपड़े डालकर वहां पर बैठे हुए थे। ओके, फिर क्या होता है देखते, बरोबर 5 वाजता आगगाड़ी ने कूक सिटी चा करना फुंकून आपल्या भयभक भगभग फकफक प्रवासाला सुरुवात केली, याने रेलवे चालू हुई तो रेलवे का जो था, रेलवे चालू हुई तो उस रेलवे का क्या हुआ था, हाँ 5 बजे बराबर ट्रेन चालू हुई और उसका आवाज चालू, अब आवाज कैसे करती है ट्रेन, कूक सिटी चा करना फुंकून आपल्या भगभग फकफक प्रवासाला, यानी बराबर 5 बजे उसका उद्घाटन हुआ और वो ट्रेन चालू हुई और उसका आवाज आने लगा भगभग फकफक करके, तो लोग और सरप्राइज, देखो अभी दिया है आगे, मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोक कलियुगातला हा विंग्रेजी चमत्कार पाहायला आवासून उभे होते, म्हणजे मुंबई ते ठाणे या पूर्ण मार्गावर लाखोंवर, म्हणजे त्या काळी लाखोंवर लोक होते, म्हणजे विचार करा की त्यावेळी ज्यावेळी भारताची जनसंख्या किंवा मुंबई ठाण्याची जनसंख्या एवढी नव्हती, त्यावेळी सुद्धा मुंबई ते ठाणे या पूर्ण रस्त्यावर लाखांवर लोक, दोन दुतर्फा, दुतर्फा म्हणजे दोन्ही बाजूला दोनों तरफ लोग, देखो अभी भी यहाँ भी दिख रहे हैं कि लोग दोनों तरफ रास्ते पर खड़े हुए हैं और वो लोग देख रहे हैं, ये सरप्राइजिंगली चीज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है करके, कैसे कैसे ट्रेन चलने वाली है, ये सब चीजें वो वहां पर दोनों साइड में खड़े होकर देख रहे थे। पहला आ वासून उभे होते, ना बैल ना रेडा ना घोड़ा, आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही दोन नाही 10 डब्यांची माळका खुशाल चाललेली आहे, झुकझुक करत लोखंडी रुळावरून। म्हणजे लोकांना असं सरप्राइज, लोगों को ऐसा सरप्राइज लग रहा था देखो, क्योंकि उस समय ना बैल ना रेडा ना घोड़ा, म्हणजे बैल नहीं है वहां पर, घोड़ा
बैल रेड़ा रेड़ा यानी भैंसा जिसको बोलते हैं, घोड़ा घोड़ा तो पता है, घोड़ा भी नहीं है। और ये सिर्फ वाफेचा इंजन यानी बांस के ऊपर ये चलने वाली ट्रेन इंजन जो था वो चलने वाला था, और ये झुक 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 करत खुशहाल चल लिया, यानी किसी की कोई एनर्जी नहीं लग रही है वहां पर। उसके बावजूद ये ट्रेन जो है उस लोखंडी रोड के ऊपर से, लोखंडी रास्ते मतलब लोखंडी रोड वरुण चल लिए, ये सबको सरप्राइज लग रहा था कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है ना। कमाला है बुआ या इंग्रेज, विंग्रेज आंची यानी अंग्रेजों को बोल रहे, कमाला है बुआ यानी कितना बड़ी बात है कि ये लोग अंग्रेज लोगों ने ये सब तैयार कर दिया। आता तर काय, विस्तव आणि पाणी यांची सांगड़ घालून विंग्रेजांनी वाफेलाच गाडी ओढायला लावले। याने देखो उस समय ऐसा था कि अंग्रेज कुछ भी कर सकते, अंग्रेज कुछ भी गुलाम बना दिया था भारत को, तो उस समय लोगों को ऐसा लग रहा था कि विस्तव, विस्तव यानी आग, ओके, आग और पानी यांची सांगड़ घालून म्हणजे यांका इनका मिलाप करके, ओके, मिश्रण करके, दोनों का मिश्रण करके अंग्रेजों ने वाफेलास गाड़ी ओढायला लावले, यानी वाफ को ही इन्होंने क्या कर दिया, तो गाड़ी खींचने को लगा दिया है। ओके, मुहूर्तावर निघाली निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली। याने उस समय लोग डर भी रहे थे कि ये कैसे जाएगी कैसे आएगी, लेकिन पहली बार जब उस चालू की गई वो ट्रेन, तो मुहूर्तावर यानी शाम का जो 5 बजे का समय था उस समय गाड़ी निकली, और वहां से गाड़ी निकलने के बाद थाना तक गई, और थाने तक जाने के बाद में वह गाड़ी वापस मुंबई आई, यानी रिटर्न कहाँ पे आ गई वो गाड़ी, मुंबई, सुखरूप परत आली। सुखरूप यानी पूरे अच्छी तरह से आनंद पूर्वक कैसे हो गई वो, यानी कुछ भी दुर्घटना वगैरह न होते हुए वापस आ गई। पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीरच होईना। अब देखो एक सा ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इस पार्ट में, पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीरच होईना। धीर यानी साहस, हिम्मत है ना, हम लास्ट पार्ट में भी पढ़ चुके हैं ये वाला धीर शब्द, साहस या हिम्मत होता है। अब उस समय ये जो चालू की गई ट्रेन, तो लोग तो सरप्राइज थे, अब देख तो लिया लोगों ने, दूर से देखने को मजा तो आ रही थी लोगों को, लेकिन किसी भी आदमी की उस ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी, तो डर लग रहा था, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लोकांना बसायचा बसायचा लोकांना धीरच होईना, यानी उनको अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग इस ट्रेन में बैठ सकते या हमने बैठना चाहिए। ओके, दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आणण्याची दवंडी पिटण्यात आली। दवंडी पिटना याने घोषणा करना। देखो उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों को उनको लगा अंग्रेजों को या नाना जीजा भाई को, शंकर सेठ को, कि क्या नहीं हो सकता, लोग बैठना नहीं चाहेंगे यहाँ पर, डरेंगे करके, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो प्रवास है, ये प्रवास फ्री में है, मुंबई सॉरी ठाणे ते मुंबई आणि परत नेने आणण्याची, याने तुम लोगों को लेके भी जाया जाएगा और वहां से वापस भी लाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। दवंडी म्हणतात त्याला मराठी मध्ये, दवंडी पिटण्यात आली, घोषणा कर दी गई, क्योंकि इनको मालूम था कि लोग इतने जल्दी आएंगे नहीं, क्योंकि उस समय लोग इतने मॉडिफाई नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ये सब चीजें लोगों को समझती नहीं थी, तो लोगों को सरप्राइज लग रहा था, वो बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। ओके, आगगाडीत बसने धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर नि सुखाचा होतो हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला। ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि आगगाडीत म्हणजे ट्रेन में बैठना खतरों वाला नहीं है, इजी है, आसान है, प्रवास लवकर नि सुखाचा होतो, यानी प्रवास जो है आपकी ट्रैवलिंग है बहुत जल्दी होती है और सुखाची, यानी उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होती ना, सिर्फ बैठना है अपने को। लेकिन उस समय लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था, लोगों को तो ऐसा लगे कि ये डेंजरस है, बसने धोक्याचे असेल बहुतेक, पण सरकारला किंवा त्या रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांना उनको ये आटा पिटा दिया शायद यहाँ पर, यस, आटा पिटा यानी पूरी कोशिश करना। ओके, पूरी कोशिश करना, बहुत कोशिश करना, इसलिए कोशिश करना कि लोग बैठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कैसा होता है क्या होता है, तो ट्रेन का उपयोग कौन करेगा, ये बातें बताने के लिए उनको पहले दवंडी देनी लगी। उसके बाद में रेलवे के जो कर्मचारी थे उन्होंने बहुत हर्षुक प्रयास किया कि लोग आए यहाँ पर और बैठे करके, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग बैठना पसंद नहीं करते थे।
लोकात, पाज में पेज नंबर 13 में आ गए हम, पण लोकात भलत्याच कंड्यानी अफवांचे पीक पिकले होते, अफवा यानी रूमर्स, है ना, बहुत सारी अफवाहें थी। अब अफवाहें कैसी कैसी थी तो चलो देखते हैं। आगे दिया है, वाफेची गाड़ी ही विंग्रजांची विलायती भूताटकी आहे। भूताटकी याने जो भूतों ने बनाई हुई गाड़ी है ऐसा उनको लग रहा था समझो। वाफेची गाड़ी ही विंग्रजांची विलायती भूताटकी आहे। मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधता आहेत, त्यांच्या पायात जिवंत गाडायला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूद डाव आहे। आणि देखो कितनी अंधश्रद्धा थी उस समय। अब अंधश्रद्धा इसलिए भी थी क्योंकि अंग्रेजों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग क्या। अब तो उस समय अफवाहें कैसी फैला दिए थे कि नव्या इमारती नहीं पुल बांधता है, यानी अंग्रेज लोग जो है वो नई नई इमारतें बना रहे हैं और नए नए ब्रिज बना रहे हैं, ओवर ब्रिज बना रहे, पुल बना रहे, जरा पुल मन तो अपन वो ओवर ब्रिज बना रहे, नई नई इमारतें बना रहे, बिल्डिंग्स बना रहे है, तो उसका जो पाया, पाया यानी बेस जो बोलते हैं ना हम, उस बेस में नींव जिसको बोलते हैं हिंदी में, नींव रखने के लिए कुछ लोगों की बलि देना है, तो वो बलि देने के लिए लोग हमको वहां पर बैठाएंगे और बाद में जाके हमारी बलि देंगे, ऐसा इनको लग रहा था कुछ लोगों को, और इस वजह से ये लोग ट्रेन में नहीं बैठ रहे थे। मुझे भूताटकी, भूताटकी यानी वहां हमको बैठा देंगे, फिर हमको मतलब गुमराह, हाइपनोटाइज हो जाएगा या कुछ तो भी हो जाएगा, ऐसी इनकी शंका थी इन लोगों की उस समय अंग्रेजों के बारे में। कुछ तो भी हो जाएगा हमको, फिर बाद में ये लोग हमको वहां ले जाएंगे उस पुल के पास या उस नई बिल्डिंगों के पास और हमारी बलि दे देंगे, ऐसा इन लोगों को वहां पर लग रहा था। असल्या अफवांमुळे शहाणे प्रसारक काय करणार, एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतले कारकुन, यानी उस समय देखो ये अफवाह यानी इतनी बड़ी अफवाहें थी, तो इन अफवाहों के सामने जो अच्छे लोग थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। शहाणे प्रचारक, शहाणे प्रचारक यानी जो अच्छा प्रचार करने वाले लोग थे, कि लोगों को बता रहे थे वाकई में कि ये जो चीज है ट्रेन से जाना आना ये काफी अच्छा है, इससे तुम लोग आओ जाओ, लेकिन लोगों के मन में जो शंका आई थी उस समय, एक तो बिना कम पढ़े थे, उस समय थोड़े कम पढ़े लिखे लोग थे, तो उस समय से इन लोगों को समझाना कि ये जो तुम समझ रहे हो ये गलत बात है, ये अच्छी चीज के लिए बनाई गई है, तुम्हारे लिए ट्रेन बनाई गई है, ये सब चीजें समझाना बहुत कठिन था। तरी बघा, एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतले कारकुन व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले। ओके, यानी बाद में क्या किया कि सरकारी कर्मचारियों को या जो व्यापारियों के पास काम करने वाले लोग थे उनके पास इन लोगों को ले जाया गया, और उनको जो लोग उस ट्रेन से प्रवास करके वापस आ चुके थे उनको मिलाया गया, उनको मिलाने इसलिए मिलाया गया उनको ताकि इन लोगों को ये लगे कि इनके मन में जो शंकाएं है उनका समाधान हो, निरसन हो, इसलिए उन लोगों को मिलाया गया कि आओ देखो इन लोगों को मिलो, ये लोग आना जाना कर रहे, इनको तो हमने कुछ नहीं किया, और तुम जो सोच रहे हो कि हमको लेके जाएंगे, हमारी बलि देंगे वगैरह वगैरह, ये सब बातें गलत है, ऐसा इनको समझाया गया। त्यांनी आपले अनुभव ही सांगितले, उन्होंने क्या किया अपना अनुभव भी बताया कि हाँ भाई ये बात सही है, हम गए थे अच्छे से गए, बड़ा मजा आया, इस तरह बैठे हमारी एनर्जी नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा, सुकून से बैठे थे वगैरह वगैरह, ने अपना अनुभव एक्सपीरियंस उन लोगों ने इन लोगों को बताया। तेवढ्याने ही कोणाचे समाधान होईना, पण बघा आता काय झालं, इससे भी किसी का समाधान नहीं हो रहा था कि ये सच बता रहे या नहीं बता रहे, अभी भी लोगों के अंदर डर जमा हुआ था कि शायद ये बात झूठ है, ये लोग अंग्रेजों के ही लोग होंगे वगैरह वगैरह, इन दूसरे लोगों के मन में शंका आ रही थी। ओके, अखेर दर मानसी एक रुपया इनाम। अब क्या हुआ, दर मानसी यानी हर इंसान को एक रुपया इनाम दिया जाएगा, आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला। आणि मोफत प्रवास यानी तुमको ट्रैवलिंग करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, उसके बाद में तुम जब जाओगे और वापस आओगे तो तुमको वापसी में एक रुपया इनाम दिया जाएगा। अब उस समय एक रुपया यानी बहुत होता था, तब लोगों को यानी फिर भी समझ में आया नहीं है, अभी देखते हैं आगे, लेकिन डंका वाजवला यानी इस तरह से उन्होंने
अपना एडवर्टाइजमेंट किया, लोगों को समझाया कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या दिया गया, इनाम कितना, 1 रुपया है। सवाल पूछ सकता है बेटा, हाँ ध्यान रखना ये वाला, कि दर माणसी, अखेर दर माणसी 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला, यानी इनाम भी दिया जाएगा और सबको जो है ट्रैवलिंग कैसी है, फ्री है, किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। ओके, पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले का, त्यांच्या घरची माणसे आजीबाजूला उभी राहून ठणान धाय मोकलायची। देखो अभी क्या हुआ, फिर पैसे का जो लालच दिया गया अंग्रेज सरकार की तरफ से, तब क्या हुआ, जो घंटाड़ीवरचे जो लोग थे, यानी जो घंटा गाड़ी रहती है ना, घंटाड़ी बोले तो वो जो डेली वेजेस पर काम करने वाले जो लोग थे, वो लोग पैसे के लालच से कैसे तो भी उस ट्रेन में जाके बैठने लगे। ओके, और कहाँ से बोलता है, मुंबई के लोग, यानी मुठाने के और मुंबई के लोग उस ट्रेन में बैठने लगे। अब वो लोग जब ट्रेन में बैठने लगे तो उनके घर के जो बाकी के लोग थे वो आके दोनों तरफ खड़े हो जाते थे ट्रेन के, और क्या दिया है, धाय राउंड ठनान धाय मोकलाईची, ठनान धाय मोकलाईची, यानी जोर जोर से रोना। यानी वो लोग अगर ट्रेन पे बैठ रहे थे तो उनके घर के जो लोग थे वो जोरों जोरों से, जोरों जोरों से रो रहे थे। उसको मराठी में बोलते हैं ठनान धाय मोकलाईची, यानी जोर जोर से रोना। कितने हंसी वाली बात है ना ये, कि उस समय ट्रेन पे बैठने वाले लोगों के घर के लोग बाजू में खड़े होकर जोर जोर से रो रहे थे, यानी एक भी विश्वास नहीं था कि ये लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे, टेकीला यायने परेशान हो जाते थे। यानी किस तरह समझाए, उनको समझ में नहीं आता था, उनको समझाना बहुत कठिन हो गया था कि अरे भाई ये लोग जा रहे हैं, आराम से आ जाएंगे, तुम इतना टेंशन मत लो इनके बारे में। लेकिन फिर भी वो लोग समझ नहीं रहे थे, और मतलब उनको समझाना पड़ता था कि तुम रो मत, कुछ नहीं होने वाला, ये जिस तरह जा रहे हैं उसी तरह काफी अच्छे तरह से वापस भी आने वाले हैं करके। अधिकारी अगदी टेकीला यायचे। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करणाऱ्यांचे घोडकेच्या घोडके त्यांच्या भोवती जमायचे। घोडकेच्या घोडके याने बहुत सारे प्रमाण में इकट्ठा हो जाते थे लोग, घोड़के होते थे लोकांचे, और जो लोग रिटर्न आ जाते थे उनको ये लोग पूछते थे कि हाँ भाई तुम गए थे अभी बैठ के, तो क्या हुआ, उसमें कुछ हुआ तो नहीं, तुमको कहीं लेके तो नहीं गए थे, क्या हुआ तुम बताओ। फिर वो लोग जब बताते थे कि हाँ रे भाई कुछ नहीं है, हम लोग गए थे, अच्छी तरह से बैठे, अच्छी तरह से मजा आया, वहां तक गए, वहां से वापस आए, तब उनको अच्छा लगता था। और उनको पूछने वाले लोगों का जो प्रमाण था बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो उनको पूछ रहे थे। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यांवर आले, यानी फिर क्या किया, 1 रुपया जो इनाम था वो 50 पैसे, 8 आणे म्हणजे 50 पैसे पे आ गया, आणे म्हणायचे त्यावेळी 1 रुपया का आधा, यानी 8 आणे, 8 आणे यानी 50 पैसे। बाद में सरकार ने क्या किया, लोगों का धीरे धीरे जो है प्रमाण बढ़ने लगा उस ट्रेन में आने जाने वालों का, तो सरकार ने क्या कर दिया, अंग्रेज सरकार थी, उसने जो इनाम था वो 1 रुपया से 50 पैसे 8 आणे पे कर दिया। तो क्या 8 ठाण्यांवर आले, नंतर 4 आणे झाले, उसके बाद कितना इनाम कर दिया, फिर 25 पैसे, यानी फिर जो लोगों की संख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। देखो शुरुआत कैसे हुई, 1 रुपये के लालच में बहुत सारे लोग आए, फिर उन लोगों ने दूसरे लोगों को समझाया कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो गए आए, हमको 1 रुपया मिला, तो फिर लोगों की संख्या बढ़ी तो 8 आणे कर दिया, फिर तो इतने लोग होने लगे क्योंकि बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हो गया उसका, यानी प्रचार जो है बहुत ज्यादा प्रचार हो गया, तो बाद में उसका जो इनाम था वो कितने पे आ गया, 25 पैसे पे आ गया। नंतर 4 आणे जाने, लोकांचा धीर चेपला से पाहून, धीर चेपला से यानी उनका जो संयम था वो आ गया था, लोग अपने इसमें आ गए थे, संयम में आ गए थे, अब लोगों को समझ में आ गया कि ये सब कुछ नहीं है। तो फिर क्या किया ये सरकार ने, इनामे बंद झालीनी सर्रास तिकीटे चालू केली। देखो बाद में क्या हुआ, इनाम भी बंद कर दिया, फ्री ट्रैवलिंग भी बंद कर दी, और फिर क्या कर दिया, टिकट चालू कर दिया। उस समय
यानी स्टार्टिंग में टिकट नहीं थी, ऐसे ही चालू हुआ था, उसके बाद में सीधे फिर सरकार ने टिकट, क्योंकि सरकार को खर्चा निकालना था, वहां से पैसा कमाई करना था कि हमने जो इन्वेस्ट किया वो कहाँ से आएगा, तो ये सब हुआ और फिर बाद में टिकट चालू हो गई। एरवीचा ठाणे मुंबईच्या बैलांच्या खटार गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल एक दिवस खायचा, बरोबर, यानी बैलगाड़ी से घोड़ा गाड़ी से जब जाते थे लोग तो उनको पूरा एक दिन लग जाता था सुबह जाने और शाम को आना, एक एक दिन पूरा खटार गाड़ीचा दिया हुआ है यहाँ पर, खटार गाड़ी म्हणजे बैलबंडी, बैलांच्या खटार गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल एक दिवस खायचा, पूरा एक दिन लगता था, पण आता काय, लेकिन अब क्या, अवघ्या सव्वा तासात ठाण्याचा आसामी मुंबईला येऊ जाऊ लागला, याने सव्वा घंटे में ठाणा का आदमी मुंबई से आना जाना कर सकता था, जिस चीज के लिए बैलबंडी से ये लोग दिन भर इन्वेस्ट करते थे, अपना समय बिताते थे, वह प्रवास कितने का हो गया, सव्वा तासाचा। मग मात्र लोकांची झुंबड लागली, झुंबड याने गर्दी आ गई, बहुत सारी गर्दी आ गई बाद में, कहां पे फिर यहाँ पर, क्यों, क्योंकि बाद में समय बहुत कम लगता था, बैल बंडी वगैरह से जाते थे तो पूरा दिन लग जाता था, ट्रेन से चालू हुआ तो फिर सिर्फ सवा घंटे में आना और जाना होने लगा लोगों का, तो फिर क्या हुआ, लोकांची झुंबड लागली, झुंबड लागणे म्हणजे काय म्हणतात त्याला, गर्दी होणे, खूप गर्दी होऊ लागली मग लोकांची। इकडे इंजिनियर लोक कर्जत पडळधरी पासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असताना खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंत सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858 फेब्रुवारीत पूरा झाला। उसके बाद क्या हुआ, फिर लोगों को लगने लगा, सरकार को भी लगने लगा, रेलवे का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा, समय बचने लगा, तो इसी को क्यों ना आगे बढ़ा दिया जाए, ये सोचते हुए इंजीनियर, इंजीनियर लिखा हुआ है, इंजीनियर यानी होता है इंजीनियर, इंजीनियर इंजीनियर लोगों ने क्या कर दिया, कर्जत पडसधरी यानी कर्जत से लेके तो बोरघाट पोखरण्याची योजना, बोरघाट म्हणजे ज्याला आपण आजच्या तारखेत खंडाळा घाट म्हणतो, जिसको हम आज खंडाळा घाट कहते हैं, वो वाला घाट पोखरण्याची, पोखरण्याची यानी उसको खोदने का काम चालू हो गया, यानी जिसको हम टनेल बोलते हैं ना, बोगदा ज्याला म्हणतो आपण मराठी मध्ये, तो बोगदा, तो टनेल बनवण्यात आला आणि मग काय करण्यात आला, खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंत, यानी उसके बाद में जो दूसरा रेल्वे मार्ग के उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, वो कहां से कहां तक, तो खंडाला से पुणे तक उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया गया, तो कधी झाला 1858 मध्ये, आणि ही कधी उघडली आपली ट्रेन 1853 मध्ये, म्हणजे 5 वर्षाच्या नंतर तो एक्सटेंड कर, यानी वो एक्सटेंड कर दिया गया, उसको आगे बढ़ा दिया गया पुणे से खंडाला तक, और उधर दूसरा रेलवे मार्ग बनाया गया, त्याचाही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आला, उसका भी क्या हुआ, बहुत जोर शोर से थाटामाटाने, याने काफी पूर्ण तयारी से, है ना, तयारी पूर्वक, थाटामाटाने म्हणजे तयारी पूर्वक, जोरा शोरात ज्याला म्हणतो आपण, जोर शोर से ओपनिंग सेरेमनी यानी उसका इनॉग्रेशन, त्याचा उद्घाटन करण्यात आला। खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तडेगाव अशी दोनच स्टेशने ठेवण्यात आली, कहां से कहां तक, खंडाळा से पुणा के बीच में खडकी एक स्टेशन और दूसरा तडेगाव, ऐसे सिर्फ दो ही स्टेशन रखे हुए थे, दोनच स्टेशन ठेवण्यात आली होनी, रस्ता एकेरीच होता, पण बघा त्यावेळी काय करण्यात आलं होतं, रस्ता एकेरी होता, एकेरी याने वन वे जिसको कहते हैं, याने जो ट्रेन है उसी रूट से जाएगी और उसी रूट से ट्रेन वापस आएगी। अभी क्या होता है, हम देख रहे हैं तो दो दो रूट्स है, चार रूट्स है, अभी तो 6 रूट्स भी हो गए अपने इधर, उस समय सिर्फ सिंगल रूट था, सिंगल यानी उसी से ट्रेन, वही वाली ट्रेन जाती थी और उसी रास्ते से ट्रेन वापस आती थी, इतना ही मार्ग था वहां पर। ओके, बोरघाटाचे काम चालले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला, उसके बाद में फिर इन्होंने खंडाळा से पुणे हो गया और इधर कहां से हुआ, ठाणे से मुंबई, यानी ठाणे और खंडाळा का बीच में जो था ये वाली गैप थी, यहां पर नहीं था, तो इसके बाद क्या हुआ, बोरघाटा से काम चालले असताना मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला, जारीने यानी जोरो शोरो से ये वाला भी जो प्रवास की तैयारी है ये भी की गई, कसा ती मौज ऐका आता, अब वो बता रहा है कि कैसे एक मौज, मौज यानी मजा आए उसके बारे में भी कुछ तो भी ऐका आता, तुमको सुनने बोल रहा है, पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली की सगळ्या पॅसेंजरना तेथून पालख्या डोल्या खुर्च्या मी बैलगाड्यात बसवून घाटाखाली खोपवलीला आणायची। अच्छा, याने देखो
उस समय जो घाट था वो घाट रहने की वजह से, घाट में उस समय रेलवे कैसी बनाई जाए ये सब इंजीनियर्स लोगों का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था समझो। तो उस समय क्या करते थे लोग, पूना से जो गाड़ी खंडाला तक आती थी तो खंडाला तक आने के बाद में उन पैसेंजर्स को वहां पे उतार देते थे, और उनको उतारने के बाद पालकी से, डोली से, या तो कुर्चियों से या बैल बंडी से, ओके बैलगाड़ी से, उनको कहाँ तक, खोपौली तक आना ही चाहिए। सब लोगों को खोपौली तक लाते थे, सगड़ा काफिला खोपौलीला आला का तेथे पुन्ना आगगाडीत बसून झुक झुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे। यानी वहां से खोपौली से फिर मुंबई आते थे, यानी बीच में जो घाट का रास्ता था उस घाट के रास्ते में रेलवे नहीं बनी थी। तो रेलवे नहीं बनने की वजह से उन लोगों को वहां पर उतार कर, देखो कितनी यानी मेहनत करते हैं, जैसा अपन वो केदारनाथ वगैरह के बारे में देखते हैं ना, ये लोगों को पीछे टंगाते हुए, कुर्सी से, पालकी से, घोड़ा पर बैठाते हुए, इसी तरह यहाँ पर भी उस जमाने में ये सब चीजें करते थे। और फिर वो लोग आगे कहाँ बैठते थे, खोपौली, खोपौली से फिर वो लोग मुंबई आते थे। प्रवाशांची ही घाट उतरणीची सुख सोय नि सरबराई पाहण्याचे कंत्राट मुंबईच्या कर सेठजी जमशेदजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतलेले होते। यानी उस समय एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था उन्होंने यहाँ से वहां तक पहुंचाने का, उस घाट से यानी खंडाला से खोपौली तक पहुंचाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उनको, जमशेद जी को। वो ये सब काम करते थे, थोड़ा एक नॉमिनल कुछ तो भी पैसे लेते रहे होंगे, और उनको वहां से वहां तक पहुंचाने का काम उनको दिया हुआ था। घाट उतर नीचे चार तास धरून, यानी घाट उतरने के लिए इन लोगों को कितने घंटे लगते थे, 4 घंटे लग जाते थे। 4 तास धरून पुणे ते मुंबईचा रेलवे प्रवास अवघ्या 18 तासात व्हायचा। कितन्या ता किती तासात, 18 तासात। यानी उस समय में देखो, मुंबई से खोपवली और खंडाला से पुना, रेलवे लाइन बनने के बावजूद भी वहां पर आने जाने के लिए 18 घंटे लगते थे पुना टू मुंबई के लिए। आज के तारीख में कितना घंटा लगता है, तो 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे में आदमी मुंबई से पुणे चले जाता है। वो तो प्लेन से तो छोड़ दो, लेकिन ट्रेन से भी, लेकिन उस समय ट्रेन से भी जाने के लिए बीच में घाट होने की वजह से 18 घंटे लगते थे यहाँ से वहां मुंबई से पुणे पहुंचने के लिए। यानी कितनी कठिनाई आती बनने के बाद, तो समझो अगर ये नहीं बना रहा होगा तो उस समय कितने घंटे लगे रहे होंगे। याचे ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे, इसका सबको क्या करते, नवल यानी सरप्राइज, इस बात का सबको सरप्राइज लगता था कि इतना टाइम लगता था, या इतने टाइम में भी फिर भी 18 घंटे में यहाँ से वहां पहुंच जाते, इसका सरप्राइज लगता था। अभी तो बहुत ये हो गया है। ओके, तो इस तरह हमने जो पाठ पढ़ा तो वो था GIP रेलवे। एक मिनट बेटा अभी। हेलो सर, धीरज सर सकते हो? हाँ बेटा, कोई है? हाँ यस, आंचल शर्मा। सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। रेलवे गाड़ी क्यों चालू किया गया? रेलवे गाड़ी क्यों चालू किया गया बेटा? रेलवे से जो देखो, ये जो अभी अपन ने सुने कि जो प्रवास है ये काफी लंबा होता था, धीरे धीरे होता था, लोगों को तकलीफ होती थी। अब अगर हम घोड़ा गाड़ी से, टांगे से अगर कहीं जा रहे हैं तो उसमें हम कितने लोग जा सकते थे, 1 से 2 या 2 से 3 या 4 लोग? हेलो, आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो 4 लोग ही जा सकते थे। रेलवे से देखो कितने सारे लोग, और लोगों को सुविधा हो, आने जाने में आसानी हो, समय कम लगे, और काफी ज्यादा लोगों को एक साथ जाने मिल जाए, इस वजह से रेलवे सुविधा चालू की गई थी बेटा। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, श्रद्धा पूछिए। हाँ श्रद्धा, हाँ रीबा खान, आपका हैंड रेज है बेटा, पूछो। रीबा खान, हाँ बेटा गुड पूछो ना। मॉर्निंग सर। हाँ बेटा पूछो।
बोलो, आवाज आ रही मुझे? पहली रेलवे वही चलाई गई थी क्या? हाँ बेटा, जो मुंबई से ठाणे है ना, 1853 में जो दिया हुआ है, उस वही वाला पहली रेलवे है जो भारत में पहली बार चलाई गई थी, वही वाली है बेटा। अपन इतिहास में भी इसके पहले कि अपन बोल, तो कभी भी देखो जीके वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो उसमें हमको सवाल पूछा जाता है कि पहली रेलवे भारत में कहाँ से कहाँ चली थी, तो ठाणे से मुंबई यही पहली रेलवे चली थी बेटा। और एक मिनट और है बेटा। ओके बेटा, तो आज हमने जो पाठ पढ़ा वह पाठ था जीआईपी रेलवे। ओके, जीआईपी रेलवे इस पाठ के बारे में पढ़ा। इसके ऊपर आपको जो पैसेज आएगा, तो 8 नंबर का आपको इसके ऊपर पैसेज पड़ेगा। इस पाठ में हमने देखा कि जो रेलवे है, पहली रेलवे कहाँ से कहाँ तक चालू की गई थी, उसके बारे में पढ़ा, और लोग कितने सरप्राइज थे, उस पे बैठना नहीं चाहते थे उस समय, यानी जो लोगों का इलिटरेशन कहेंगे हम, निरक्षरता जो थी वो हमको दिखाई देती है यहाँ पर, और लोगों को प्रलोभन कैसे दिए गए उस ट्रेन में बैठने के लिए, इसके बारे में भी बताया गया। लेकिन लोगों का जो प्रवास है कितना आनंददायक होता है, बाद में उन लोगों को पता चला, और ये जो रेलवे है कितनी सुविधाजनक है, हम लोगों के लिए ही फायदे की है, समय की बचत होती है, ये सब चीजें उसमें समझाई गई है। ठीक है बेटा,